रजिस्ट्रेशन तो हम नहीं करवाए, क्यों पता नहीं मुख्यमंत्री रजिस्ट्रेशन करवाया नहीं, रजिस्ट्रेशन क्यों करा, लेकिन लास्ट में एक लिखा हुआ है सुनवाई के स्थान की सूचना SMS द्वारा प्रदान की जाएगी, ये वाला है। आप आराम से यहाँ पहुँच जाएगा, CM से मिल लीजिएगा, यही पूरा प्रोसेस है। रजिस्ट्रेशन तो हम नहीं करवाया, क्यों पता नहीं था, अखबार देखे थे तो अखबार हमने दिया था। देखिए मेन प्रॉब्लम ये है कि बिना रजिस्ट्रेशन के आप लोगों को मिलने नहीं दिया जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे कितना आदमी तो रजिस्ट्रेशन करा के कितने दो महीने से दौड़ रहा है, कहाँ उसको कहाँ मिलता है, कहाँ मिल लेता है। इनका कहना है कि रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं मिलते हैं। आइए यहाँ पर कई लोग हैं, हम सबसे बात करते हैं और देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन करवाया है कि नहीं करवाया है। अच्छा आप लोग मिलने आए हैं, रजिस्ट्रेशन करवाया है आपने? हाँ रजिस्ट्रेशन करवाया है, देख लीजिए एक बार तो वैसे वो आप क्या बोले, क्या बोले? नहीं नहीं सुन रहा, कोई जाने नहीं दे रहा है। रजिस्ट्रेशन भी करवाया तो नहीं, तो नहीं आप मिलने आए मुख्यमंत्री, रजिस्ट्रेशन करवाया नहीं, रजिस्ट्रेशन क्यों? मैं पेपर में पढ़ते थे जनता दरबार लग रहा है, बस आ गए उसके बाद मेरा जागरूक जागरूक कौन रहेगा, समाज का आदमी जागरूक नहीं रहेगा। आप कितने देर भी यहाँ पे खड़े होंगे, कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं जंदाहा सलाह ग्राम से आए हैं, मेरा दूर से आए हैं, आपका तो ऑटो भाड़ा लगा होगा, 100 रुपया आने में 100 रुपया जाने में 200 लग गया। हाँ लग गया आपको, आपको आप जागरूक नहीं है कि बिना रजिस्ट्रेशन के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपसे कितना रजिस्ट्रेशन वाले आ रहे हैं उसका कोई वैल्यूशन नहीं है, मेरा बिना रजिस्ट्रेशन हो गया, मेरा बच्ची का अपहरण हो गया, कोई सुनने के तैयार नहीं है। बिना रजिस्ट्रेशन के लोग आपसे बात नहीं करेंगे, आप रजिस्ट्रेशन करवा, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, हमको पता नहीं था कि रजिस्ट्रेशन होता है, इसके पहले कई लोगों को नहीं पता है। पहले यहाँ देखिए जी, 3/3/2014 को जब हम दिए तो उसका ही रजिस्ट्रेशन नहीं होता था, पेपर में आज भी नहीं दिया कि रजिस्ट्रेशन करवा के आप आइए, तो फिर हम कैसे आते, हम ही पूछना चाहते हैं। अच्छा कर्मचारी के थ्रू ही होता है कि एक ही जमीन को दो दो तीन तीन आदमी के नाम पर रसीद कटता है, कैसे कटता है, हमको ये जवाब चाहिए। डीएम के यहाँ कंप्लेन किए हैं, SP के यहाँ कंप्लेन किए, एक बार नहीं अगर भी हम दो बार है कर चुके DM के यहाँ कंप्लेन, और उसको बाद भी कोई उसको मालूम था रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, बट ऐसा था जब वो कोरोना के टाइम हो रहा था, अब तो लॉकडाउन खुल गया है तो फिर इस तरह मिला जा सकता था, बट झूठ मूठ का ये लोग ये करवाते हैं बिना रजिस्ट्रेशन के। आप लोग यहाँ की मिलने आए? हम मिलने आए हैं, रजिस्ट्रेशन 2 महीना पहले करा लिए, नहीं मिलने दिया जा रहा है, क्या बोला जा रहा है? कहते हैं जो मैसेज जब तक नहीं जाएगा तब तक नहीं नहीं। और यहाँ पे कितने लोग बिना रजिस्ट्रेशन के आ जाते हैं? जितना भी लोग हैं सब बिना रजिस्ट्रेशन, तो घोषणा पहले से हो चुका है रजिस्ट्रेशन करा के आना। बहुत लोगों को तो सर ये बोल रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन हमने 2 महीने पहले करवाया फिर भी हमें मिलने नहीं दिया जा रहा, इस पे क्या कहें? नहीं रजिस्ट्रेशन का के बाद मैसेज जाता है, मैसेज जाएगा उसके बाद फोन जाता है, आवेदन तो पूरे बिहार से आता है, चुनिंदा लोगों को मैसेज जाता है, सभी लोग संख्या जितना रहता है, तो आज जैसे सोमवार है तो लिमिट संख्या में लेना है, तो बारी बारी से नंबर आता है, जैसे नंबर आ जाएगा मैसेज जाएगा और बुलाया जाएगा। लोगों से बात किया, 90% लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, तो इसकी जानकारी कौन देगा ये बताइए? कंट्रोल रूम तो है यहाँ पे, लेकिन जानकारी कौन देगा? यहाँ पर बैठे तो हैं, कैमरा में हमसे बात किए, लेकिन क्या जनता को अवेयर कराया जा रहा है? रूल तो बहुत तगड़ा बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर अगर जनता को जानकारी है ही नहीं तो क्या फ़ायदा? पर हम विकलांग हैं, विकलांग हैं दोनों, तो किसके साथ आए हैं आप? हमारे साथ एक ये लड़के हैं, एक थोड़ी कर्मी हैं हमारे। एक बात बताइए, आपने आवेदन किया है? हाँ आवेदन हम किए हैं, मैसेज आया है? हाँ हर जगह हम आवेदन किए हैं, शिक्षा विभाग में दिए, शिक्षा मंत्री को दिए, DM साहब को दिए, DPO को दिए, DU साहब को दिए, जनता दरबार में मिलने के लिए आवेदन मुख्यमंत्री के पास, हाँ आवेदन दिए हैं, ये रजिस्ट्रेशन दिखाइए दिखाइए, यहाँ पे लोग जागरूक नहीं है, आ जाते हैं, देखिए इनका आवेदन किया हुआ है, कितने तारीख का है? इसमें तारीख है मैडम दिया हुआ 9/8 तो मैसेज आया आप? हाँ मैसेज आया, मैसेज भी दिखा रहा है। सुरेंद्र पासवान नाम है, जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में आपका स्वागत है, आवेदन दर्ज करने के लिए आपका OTP इतना है, ठीक है। इसके नीचे एक और मैसेज है, आपका परिवार सफलता पूर्वक दायर किया गया है जिसकी अन्यन
पंजीकरण संख्या इतना है, इनकी सुनवाई दिनांक इतना को 11 बजे होगी। सुनवाई के स्थान की सूचना SMS द्वारा प्रदान की जाएगी। तो सुरेंद्र पासवान, सभी चीज़ आपने पढ़ा, लेकिन लास्ट में एक लिखा हुआ है, सुनवाई के स्थान की सूचना SMS द्वारा प्रदान की जाएगी, ये वाला आया आपको मैसेज? ये भी मैसेज आया, लेकिन इस मैसेज से हमको ये टाइम भी दे दिया गया और लास्ट वाला एक और मैसेज बोला है आपको। हाँ तो वो भेजे नहीं ना, और डेट भी दे दिए, डेट भी दे दिए। जब डेट दे दिए तो उनको मैसेज कर देना चाहिए। दिमाग में घूम रहा है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। अरे भाई, यहाँ जनता आ जाती है, मिलने नहीं दिया जाता। बोला जाता है 20 तारीख को SMS आ जाएगा, 20 तारीख के पहले SMS नहीं आता है। यहाँ पर देखिए अपाहिज हैं, कितने दूर से आए हैं, कितनी परेशानी हुई होगी, खर्चा हुआ होगा। अगर आपको भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में आकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलना है और अपनी समस्याओं का समाधान पाना है, तो हमारे साथ एक युवा है, नाम बताइए। मेरा नाम सिद्धांत सुमन है। सिद्धांत सुमन, आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे कि आखिर कैसे इन्होंने मुलाकात किया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, पूरा प्रोसेस बताइए। बारिश बहुत हो रहा है, इधर आइए पहले। हाँ बताइए। देखिए, सबसे पहले जनता दरबार का एप्लीकेशन आता है, उसका डाउनलोड करना पड़ता है। एप्लीकेशन? हाँ, एप्लीकेशन आता है प्ले स्टोर पे। उसको डाउनलोड करने के बाद जनता दरबार का एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर आता है, जनता दरबार लिखेंगे तो आ जाएगा। जनता दरबार का एप्लीकेशन नाम का प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहाँ पे उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको जो जितना भी मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, जितने भी डिटेल्स होता है डालना होता है, आपको अपना समस्या लिखना होता है। उसके बाद फॉर्म सबमिट कर दिया जाता है। फॉर्म सबमिट करने के बाद जो है आपका जितना टाइम लेगा एक्सेप्ट होने, अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो आपका एप्लीकेशन में शो करेगा आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप खुद जिलाधिकारी का यानी DM का कॉल आएगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है, आपको जाना है वहाँ पे। कॉल आएगा? हाँ कॉल आएगा। उसके बाद जो भी होता है कोरोना टेस्ट वगैरह करवाना होता है वो खुद बोलेंगे। आप जिस हॉस्पिटल में, जिस नज़दीकी हॉस्पिटल में देखिए RT-PCR जो भी जाँच होता है कोरोना का वो करवा लीजिएगा। उसके वहाँ पर बुलाया भी जाएगा? हाँ, वहाँ पे आपको बुलाया जाएगा। खुद जो है सरकार बस का सुविधा दे रही है, आपको खुद बस से यहाँ ले जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम का आपको ले जाएगा। हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा इसके लिए आपको। आप आराम से यहाँ पहुँच जाएगा, CM से मिल लीजिएगा, यही पूरा प्रोसेस है। देखिए कितना अच्छा प्रोसेस है, और यहाँ पर लोग झूठ का परेशान होते हैं। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और हम लगातार बारिश में भींग रहे हैं, हमारा माइक भी भींग रहा है। हम ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए बने रहे RN न्यूज़ के साथ। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, हमें ऐसे ही फॉलो करते